हेलो स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो में हम डीएनए के स्ट्रक्चर को अच्छी तरह से समझेंगे तो एंड आपको तो ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन और डीएनए और ए को ठीक से समझना होगा सो लेट स्टार्ट डी एसिड मीन डीएनए हर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो कोई एनिमल या फिर ह्यूमन बींग डीएनए को कहा जाता है मास्टर मॉलिक्यूल क्योंकि किसी भी ऑर्गेनिज्म सेल का फंक्शनिंग ग्रोथ डिवीजन मीन्स रिप्रोडक्शन इन सब में डीएनए का मेन रोल होता है जब सेल का फंक्शनिंग ग्रोथ डिवीजन मीन्स नए सेल्स का बनना सब ठीक ठाक चलता रहेगा लाइफ आगे बढ़ती रहेगी तो सवाल यह है कि डीएनए है क्या वॉट इज डीएनए डीएनए एक न्यूक्लिक एसिड है जब साइंटिस्ट फ्रेडरिक डब्ल्यू के ऊपर काम कर रहे थे स्टडी कर रहे थे तो उन्होंने डी की डिस्कवरी की थी इनिशियली साइंटिस्ट फ्रेडरिक को लगा कि यह सिर्फ सेल के न्यूक्लियस में पाया जाता है इसके कारण उन्होंने नाम दिया न्यूक्लिक एसिड देर आर टू टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स है डी एन एंड सेकेंड वन इज आर एन ए मीन्स राइबो न्यूक्लिक एसिड डी और आर ये न्यूक्लिक एसिड्स के दो टाइप्स है अब डीएनए के स्ट्रक्चर की ओर बढ़ते हैं और आने वाले वीडियो में हम कवर करेंगे आरएनए एंड टाइप्स ऑफ आरएनए। इन 1953, नाइनटीन वैटसन एंड क्रिक प्रपोज्ड अ मॉडल फॉर डीएनए मॉलिक्यूल एज पर दिस मॉडल डीएनए हैज डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर डबल हेलिक्स इसलिए क्योंकि इसके अंदर दो हेलिक्स होते हैं। हेलिक्स है इस तरह का होता है स्पायरल मैनर में अगर आप किसी कर्व को बढ़ाते जाओगे तो बन जाता है हेलिकल शेप। तो दो हेलिक्स से बनता है डीएनए का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर इच स्ट्रैंड इन डीएनए मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ मेनी स्मॉल मॉलिक्यूल्स नोन एज न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोटाइड डीएनए के यूनिट होते हैं देर आर टू पॉली न्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड ऑफ डीएनए डीएनए के स्ट्रक्चर में तीन मेजर कॉम्पोन होते हैं एक होता है शुगर मॉलिक्यूल सेकेंड कॉम्पोनेंट इज फॉस्फोरिक एसिड ग्रुप एंड थर्ड इज नाइट्रोजनस बेस नाइट्रोजनस बेस के चार टाइप्स होते हैं एडेनिन गॉनिन साइटोसिन एंड थाइमिन एडेनिन और गोनिन को कहा जाता है प्योरिन साइटोसिन और थाइमिन को कहा जाता है पीरियमिडिन न्यूक्लियोटाइड डीएनए का स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है जैसे प्रोटीन मॉलिक्यूल्स में एमिनो एसिड्स होते हैं ठीक उसी तरह न्यूक्लियोटाइड्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ डीएनए

एंड हिस् रंग ऑफ दर इसे हमें अब हमें समझना है की इन तीनों कॉम्पोनेट्स की अरेंजमेंट डीएनए डबल हेलिक स्ट्रक्चर में किस तरह से होती है दिस फोर आर नाइट्रोजन बेसिस एडिन इन ऑलवेज पेयर विदिन एंड साइटोसिनट्स गो बैक टू लैडर